चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि जिस तरह से हमारे लॉन्ग मार्च पर हुकूमत ने जुल्म किया, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आईन के तहत क्या हमें नकल हरकत की इजाज़त नहीं, एहतजाज का हक हासिल नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि इस पर फैसला दे कि क्या हम मार्च कर सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़ा मुतालबा करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। लोटों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हम हर तरह से इमरान खान का भरपूर साथ देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी है। पीर को ईवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पंजाब से बाबर हसन भरवाना जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्ला खान को बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक पॉलिसी पर गौर करने के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ये पेशरफ इस वक्त सामने आई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुमशुदगियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समात के दौरान हुक्मरान सरबराहान से सवाल किया था कि इस बात की वजाहत करें कि जबरी गुमशुदगियाँ रियासत की हिकमत अमली कैसे बनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का ऐलान करते हुए कहा कि पहले आज़ादी मार्च में गैर मुसल्ला गए थे, अब सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे, कारकुनों की शहादत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और मुल्तान से कराची आने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ ट्रेन के अमले की इज्तमाई ज़्यादती के वाक़े की तस्दीक की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ट्रेन इंतजामिया से रब्ता कर दिया।